हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है 5:30। मैं ब्रश करके यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। तो मेरा सुबह किचन से ही शुरू होता है। बच्चे लोग जाग चुके हैं और अपना ब्रश कर रहे हैं। एक बच्ची तो बड़ी वाली तो नहा ली है, वो तैयार हो रही है स्कूल के लिए। और मैं यहाँ पर आके नाश्ता बना रही हूँ। तो आज दोनों के लिए मैं टिफ़िन में देने वाली हूँ आलू पराठा। तो आलू को मैं बॉईल करने रखी थी, तो बॉईल हो गया। इसका छिलका निकाल के यहाँ पे देखिए इसको ना अच्छा से मैश कर रही हूँ। हाथ से तो नहीं हो पा रहा था, गर्म है। तो एक ग्लास मुझे मिला, तो ग्लास के पिछले वाला जो हिस्सा है ना, उसे अच्छे से मैश कर रही हूँ। और इसमें कुछ मसाला डालूँगी। तो मसाला में हल्दी पाउडर, जीरा, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और कुछ धनिया पत्ता डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें उसके बाद आटा डालूँगी। तो ये आलू देखिए अच्छे से मैश कर ली हूँ। और इसमें मसाला ऐड कर लेती हूँ। तो मसाला ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे आटा में उसके साथ ही इस तरह से गूंथ लेती हूँ। और कोई कोई उसमें स्टॉपिंग, मतलब आटा अलग से गूंथ के आलू का जो मसाला बना के अंदर में स्टॉपिंग डालते, वैसे भी कभी कभी करती हूँ और इस तरह से ही करती हूँ। इस तरह से करने से जल्दी सा हो जाता है। तो जल्दी सा फटाफट मैं बना लूँगी। और अभी आटा गूँध के इसको रेस्ट करके छोड़ दूँगी। तो आटा गूँध के मैं बाथरूम आ गई फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह था, तो उसको मैं सर्फ में भिगा के अभी रखूँगी। तो मेरे जो काम्बले आएगी वो धो लेगी। इस तरह से मैं भिगा के रख देती हूँ, उसको आसानी होता है धोने में और मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होता है कौन कौन सा कपड़ा उसको निकाल के देना है। तो भिग जल्दी जल्दी भीग के रेडी हो जाता है। नहीं तो वो आएगी फिर भिगाएगी, तुरंत धो देगी तो गंदा भी नहीं छूटेगा। उसके बाद फिर दोबारा से मैं किचन आके यहाँ पे पराठा बेल रही हूँ, देख सकते हैं। तो टाइम हो रहा है 6:30 हो गया है। और दोनों बच्चे के लिए पहले बना के दे दूँगी और दोनों थोड़ा खाते रहेंगे और देख रहे कैसे दोनों आके पूछ रहे हैं कि आज क्या है क्या है। और वो वाइट वाला टिफिन में ना फ्रेंड्स, कल का वो लौकी और दाल का सब्ज़ी बचा था, तो वही दोनों देख देख के जा रहे हैं। दोनों को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो नहीं खाएंगे। तो पराठा मतलब सुबह ही सबके लिए मैं नाश्ता एक बार में ही बना देती हूँ, क्योंकि बार बार कौन फिर किचन में वही गर्मी में काम करेगा। तो इसीलिए सबके लिए, पापा के लिए, हस्बैंड के लिए, मेरे लिए और सबके लिए एक साथ ही मैं बना देती हूँ। तो सुबह का काम ख़त्म हो जाता है एक साथ में। तो मैं ना फ्रेंड्स, जब भी यहाँ पे पराठा सेकती हूँ ना, तो रिफाइन ऑयल से ही सेकती हूँ। ज़्यादातर घी नहीं लगाती हूँ। घी तो बच्चे लोग को हर टाइम पसंद नहीं रहता, कभी कभार खा लेंगे लेकिन रोज़ नहीं खाएंगे घी। इस तरह से मैं इसलिए रिफाइन ऑयल से ही सेक लेती हूँ। तो सब्ज़ी आज नहीं बनाऊँगी, मतलब हम लोग के लिए मैं बनाऊँगी बाद में आलू का सब्ज़ी, लेकिन इन लोग सॉस के साथ ही ले जाएंगे। देखिए छोटी वाली भी आके देख के चल गई, इसमें लौकी का सब्ज़ी है, मुझे नहीं खाना है। तो एक जन को दी हूँ पराठा और दूसरे जन को ये प्लेट में रेडी करके दे दी। और यहाँ पे देखिए बाकी जितना पराठा है फ्रेंड्स, उसको मैं सेक रही हूँ। तो फटाफट फिर आज मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ गाड़ी के पास दोनों बच्चे को जाके पहुँचा देंगे, क्योंकि मुझे भी तैयार होना पड़ेगा गाड़ी के पास जाने के लिए। तो देखिए सॉस का बॉटल नहीं खोल रहा था, नया ही था। तो बड़ी बेटी लेके आई है, उसको नहीं खोल पा रही थी, तो मैं इसको यहाँ पे खोल के दे रही हूँ। सॉस तो छोटी वाली कितना पसंद है, उसको रोज़ सॉस ही चाहिए। टमाटर सॉस उसका बहुत फेवरेट है। तो जब भी हो दोनों फटाफट से नाश्ता कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं टिफ़िन भी पैक कर लूँगी दोनों के लिए और सारा पराठा बना के रेडी कर लूँगी। तो सुबह का जो टाइम होता है ना फ्रेंड्स, बहुत ही मतलब हड़बड़ी वाला टाइम होता है और बहुत झटपट सब काम करना पड़ता है। मतलब बच्चे लोग को, बड़ी वाली तो अपने से रेडी हो जाती है, लेकिन छोटी वाली को रेडी करा, उसको ड्रेस पहना, उसका बॉटल पानी भर दो, ये बहुत सारा झंझट होता है। तो यहाँ पे सारे मैं रेडी कर ली टिफिन वगैरह। और यहाँ पे इन लोग देखिए यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं, एक एक पराठा खा के जाएंगे, बाकी टिफिन में लेके जाएंगे। तो दोनों चले गए और मैं नहा धो के आके यहाँ पे देखिए ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो मेरा ब्रेकफास्ट में आज है रोटी, दूध और वही जो लौकी का सब्ज़ी था। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जो मेरे घर में ना रैक में, नीचे वाला रैक में बुक सब रखा गया था और इतना दिमाग लग गया ना इसको, आज मैं उठाई हूँ।
नहाने से पहले, और इसको जाके मैं धूप में सुखाऊंगी। आज का मौसम भी इस तरह से हो गया ना, धूप भी नहीं है, और अगर धूप होगा तो मैं बाहर में सुखाऊंगी, नहीं तो ऐसे ही अंदर में रहेगा। बहुत ज़्यादा एकदम झमक लग गया है, थोड़ा बहुत बारिश भी गिर रहा है, और बारिश ख़त्म होने के बाद देखूँगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ, आज बहुत ज़्यादा काम है। आज पहली हम लोग का रजो है, कल रजो संक्रांति आने वाला है, तो यहाँ पे पीठा के लिए ना चावल सब मैं साफ करी हुई, अरवा चावल है तो हम लोग ये गांव से लेके आते हैं, खाने वाला चावल भी अरवा चावल भी, तो इसको मैं थोड़ा देर भिगा के रखूँगी और उसके बाद इसको मैं पीसूँगी। तो चलिए, और यहाँ पे लंच भी बना रही हूँ साथ में, और साग ना कल लेके आए थे बाजार से, साग भी बना ली, यही इस चावल को मैं भिगा के रखी हूँ। उसके बाद टाइम हो गया है, अभी बच्चे आ रहे हैं, हम लेने गए थे तो मैं लेके आई उसको, वो दोबारा से फिर नहाने गई है बाथरूम, और यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ। तो आज फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ परवल और आलू की सब्जी, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, रायता बनाऊँगी, साग तो बनाई हूँ, और दही बैगन बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स मेरा जो परवल आलू को अच्छे से मैं फ्राई कर चुकी हूँ, अभी उसको ये मसाला देके उसको अच्छे से बनाऊंगी। तो यहाँ पे तेल ऐड कर ली हूँ, और मसाला को मैं अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट बना कर रखी हूँ, टमाटर का, और यहाँ पे देखिए अरवा चावल भी रखी हूँ, उसको भी सुखाई नहीं हूँ। तो देखिए मेरा जो मसाला है बहुत अच्छे से कस चुका है, और यहाँ पे आलू और परवल भी अच्छे से मैं फ्राई की हूँ, और ये देखिए दो बैगन रखी हूँ, इसका दही बैगन बनाऊँगी। और ये देखिए इस तरह से मेरा किचन का हालत है। तो अभी मेरा मसाला कसना हो गया है अच्छे से, और अभी परवल आलू को मिक्स कर लूँगी, और कुछ देर के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, हल्का हल्का ग्रेवी ग्रेवी बनाऊँगी, ज़्यादा झोल नहीं बनाऊँगी। और उसके ऊपर से ना थोड़ा सा नारियल मैं ऐड कर रही हूँ, नारियल ऐड करने से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और जब तक वो थोड़ा सा बॉयल हो रहा है ना, इस साइड में मैं अभी बैगन जो काट के रखी थी उसको फ्राई कर रही हूँ दही बैगन के लिए। तो ऐसे डायरेक्ट मैं कढ़ाई में तेल ऐड कर ली, और लंबा लंबा मैं काट ली बैगन, और इसमें ऐड करके इसमें मसाला वगैरह जो पाउडर वाला मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर वगैरह, इसको ऐड करके थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको मैं ढक्कन लगा के इसको कुक करूँगी इसी मांस में। तो अच्छा से जब पक जाएगा दोनों साइड तो फिर इसको निकाल दूँगी। तो दही बैगन बनाने में उतना झंझट नहीं रहता है, बहुत फटाफट बन जाता है। तो हमारे घर में तो रोज़ दही चाहिए ही चाहिए। तो देखिए परवल भी हो गया है, इसमें थोड़ा सा मैं पानी और ज़्यादा ऐड कर लेती हूँ, और इससे ग्रेवी ग्रेवी बनेगा। और यहाँ पे देखिए दही भी मैं फेंट के रखी हूँ, और बैगन भी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स इसको मैं भी निकाल देती हूँ। तो डायरेक्ट इसमें जो दही है ना उसमें थोड़ा सा काला नमक मैं ऐड करके रखी थी, और अभी बैगन डाल दी उसमें, इसमें थोड़ा सा शोंका लगाएंगे या तड़का लगाएंगे। तो एक थोड़ा सा तेल ली, मिर्चा, करी पत्ता और राई का दाना लेके उसमें मैं ऐड कर दी। तो हमारा जो दही बैगन है रेडी हो गया है। तो आज का लंच रेडी हो गया है, और अभी इवनिंग का टाइम है। हम लोग लंच करने के बाद थोड़ा देर रेस्ट किए, और इवनिंग में मैं ये सब काम कर रही हूँ, चावल का पाउडर पीसी। उसके बाद यहाँ पे देखिए खीर बना रही हूँ, तो कल खाएंगे, आज थोड़ा सा खाएंगे और कल खाएंगे। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह सा ही था। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह से नया नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप लोग उसको एंजॉय कर सकें। तो मैं यहाँ पे खीर बना ली हूँ, अभी ड्राई फ्रूट्स जो है उसको काट रही हूँ, काजू किशमिश नहीं डालूँगी, और काजू डाल के बस उतार दूँगी। तो बस इस तरह से ही मेरा आज का ब्लॉग था।